नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, प्रसिद्ध अभिनेत्री, वेटरन अभिनेत्री आशा पारेख ने कहा है कि जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड है, वो एक मेल डोमिनेंस इंडस्ट्री है। मतलब कि यहाँ पे पुरुष कलाकारों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, ना केवल मेहनताना उनको ज्यादा दिया जाता है, पैसे ज्यादा दिया जाता है समान वर्क के लिए, बल्कि दोस्तों उनको ध्यान में रख कर करके कहानियां लिखी जाती है। महिला केंद्रित फिल्में बहुत कम बनाई जाती है, महिलाओं को ध्यान में रख करके उनको सेंट्रल कैरेक्टर देकर के कोई फिल्म बनाई नहीं जाती है, ऐसा उनका आरोप है। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन को इस उम्र में भी उनको ध्यान में रख करके कहानियां लिखी जाती है, लेकिन हम जब इस उम्र में आते हैं तो हमारे को बहन का रोल ऑफर होता है, या फिर माँ का रोल ऑफर होता है, या फिर दादी का रोल ऑफर होता है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये पहले से ही होता है, अभी की बात नहीं है, आज की बात नहीं है, पहले से ही ये होता है। जब हीरोइनों को कम महत्व दिया जाता है और हीरोज को ज्यादा महत्व दिया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हीरोज 60 की उम्र में भी 30 साल की हीरोइन के साथ रोमांस करते हुए नजर आते हैं, तो हीरो की उम्र को नहीं देखा जाता है, लेकिन हीरोइन की उम्र बढ़ जाती है तो उसको देखा जाता है कि इसकी उम्र इतनी हो गई है, तो उनको उसके हिसाब से फिर उम्र के हिसाब से रोल मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आज भी 60 साल के जो एक्टर है वो मतलब 20 साल, 25 साल, 30 साल की हीरोइन के साथ रोमांस करते हुए नजर आते हैं, उनका इशारा किस ओर था ये तो आप जानते ही है। साथ ही उन्होंने भी कहा कि अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार जो इस एज में भी अभी वर्क कर रहे हैं, उनको इस उम्र में भी उनके उनके मुताबिक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जाती है और उनका चयन किया जाता है, जबकि हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होता है। साथ ही उन्होंने भी कहा कि आज तो वैनिटी वैन रहती है कलाकारों के पास, हमारे समय में बाथरूम भी नहीं हुआ करते थे, सुबह से लेकर के शाम तक मतलब हम लोगों को किस प्रकार की स्थितियों से गुजरना पड़ता था। तो ये सारी बातें आशा पारेख ने अपने एक इंटरव्यू में बताया। साथ ही तनुजा ने भी इसी तरह की कुछ बातें कही है, जो भी प्रसिद्ध अभिनेत्री रही है। तो उन दोनों का कहना आप कहाँ तक उचित मानते हैं? क्या अमिताभ बच्चन को अभी भी ऐसे रोल मिल रहे हैं, और मिल रहे हैं तो क्या मिलना चाहिए? क्या हीरोइनों को भी ऐसी फिल्में, हीरोइनों के लिए भी ऐसी फिल्में बनाई जानी चाहिए, क्या उनके उनको ध्यान में रखकर के भी कुछ कहानियां लिखी जानी चाहिए? तो जो भी आपके विचार हो आप कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।